दो का साइन बोल के दस का। तो भाई इसने बोला कि फास्ट ट्रेन से जाता है और आई क्या है एसी की ट्रेन 109 के से टोटल। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं उठा हूँ अराउंड 6:30 बजे और हम लोग को किधर निकलना है बेसिकली। मुझे अभी जाने का है मेरे भाई के घर और उधर से हम लोग को किधर घूमने जाने का है। तो मैं कल रात को 3:30 बजे सोया और 6 बजे उठ गया। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी निकलते क्योंकि लेट हो रहा है। चलो मैं तो रेडी हो गया हूँ और मैंने तो आपको बताया नहीं हम लोग किधर जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं राजीव गांधी पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क जा रहे हैं बेसिकली। और उधर मैं कभी गया नहीं हूँ तो फिर मुझे घूमना था तो सोचा कि ये वीकेंड उधर ही चले जाते हैं। और चलो भाई मैं तो सांस फूल रहा है, बहुत ठंडी है इधर। ठीक है फटाफट निकलते हैं अभी। सो इधर से पहले मुझे मेरे घर से वाशी जाने के लिए अराउंड 45 मिनट्स लगेगा क्योंकि मेरे भाई को उधर से पिकअप करना है। देन उसके बाद वाशी से मुझे डोंबिवली जाना है, तो डोंबिवली जाने के लिए आई थिंक अराउंड 1.5 आवर लगेगा लोकल ट्रेन से। भाई साहब क्या फॉग है, बहुत ज़्यादा है, नीचे से और कुछ दिख रहा नहीं। भाई मुझे कुछ दिख रहा ही नहीं है इधर, पहली बार इतना फॉग देख रहा हूँ। पनवेल स्टेशन आ गया मैं गाइस, अभी टिकट लेते हैं, भीड़ भी नहीं है ज़्यादा, फटाफट लेके फिर निकलते हैं। पूरा का पूरा ट्रेन खाली है। भाई एक पंगा हो गया है, मैंने टिकट ले लिया है डोंबी वाली का, ज़्यादा बोरी वाली है, मैं सुबह से बोल रहा हूँ डोंबी वाली जा रहा है लेकिन बोरी वाली एक्चुअली में जा रहा है ना। वही मैं बोला इसको डोंबी वाली का टिकट लिया है, मेरे को बोल रहा है मैं इस जगह बोल रहा हूँ कुछ वायद खानी चाहिए, वो मेरे को चिल्ला रही वायद खाने कैसे मिलेगा तुझे। मुझे भी मैंने देखा ही नहीं बाप में कि कैसे जाने का। मैं सुबह से बोलता हूँ भाई डोंबी वाली जाने का, इधर से ऐसे जाएंगे उधर से ऐसे जाएंगे। मैं इसको 3-4 बार याद भी दिलाया रहेगा लेकिन भूल गया ये। मैं भूल गया, मैं 3:30 बजे सो रहा तो सब कुछ भूल गया। डोंबिवली बोरी वाली सेम सेम है। हाँ वही राइड करता है तो फिर हाँ इसलिए कन्फ्यूजन हो गया। चलिए चलते हैं, बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, माफी मिले। भाई खाने के लिए क्या लिया तूने? अरे मम्मी को याद नहीं रहा, मुझे पहले से पता था। मैंने गाइस इसको मैंने इसको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई तेरे से कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं लेके आ सकता। पता चल रहा है हम लोग जा रहे हैं राजीव गांधी ना, और मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ हम लोग संजय का क्या अब तो संजय गांधी जा रहे हैं, तो राजीव गांधी बोल रहा है। हम लोग जा रहे हैं संजय गांधी पार्क और मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ राजीव गांधी पार्क, तो वो गलत हो गया। मैं ज़्यादा ट्रेन पर ट्रैवल नहीं करता तो मुझे पता नहीं चलता किधर कैसे जाने का। और मैं स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग तो डोंबी वाली जाने का, वो उसका टिकट भी ले लिया था मैंने 40 रुपये का, वो भी उधर वो भी गया मेरे काम से, प्लस अभी वापस से टिकट लिया हम लोग को तो मिल गया। मैंने बराबर टिकट लिया था, मैंने बराबर लिया था। गाइस हम लोग फाइनली कुर्ला पहुँचने वाले, अभी कुर्ला से हम लोग को दादर जाना है ना, दादर के बाद फिर डायरेक्ट हम लोग को बोरी वाली का ट्रेन। नहीं नहीं अरे दादर से लाइन जाएंगे वहाँ से मिलेगा। हाँ तो मतलब स्टेशन तो एक ही है ना, इतना तो पता मुझे। Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it been waiting my.
तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं साइडर तत्व बोरी वाली, पहुंच गए हम लोग बोरी वाली। तो भाई ये डोंबी वाली से बोरी वाली का जर्नी बहुत महंगा पड़ गया हम लोग को। फिर दादर से इसने भाई ने बोला कि फास्ट ट्रेन से जाना है मुंबई से, जो इसको समझ जाएंगे हम लोग कि फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन क्या रहता है। तो भाई इसने बोला कि फास्ट ट्रेन से जाता है और आई क्या है एसी की ट्रेन, इससे देखा ही नहीं मुझे पता नहीं था एसी की चालू रहेगी, तो हमको लगा बंद रहेगी। तो भाई उधर है ना हम लोग का 15 मिनट वेस्ट हो गया, 10 बजे दो का साइन बोल के 10 का। तो गाइज हम लोग फाइनली पहुंच गए संजय गांधी, मेरे मुँह से बार बार राजीव गांधी निकल रहे हैं, संजय गांधी पार्क में। तो भीड़ अच्छा खासा है, साइकिल हम लोग रेंट करने वाले का नहीं ना, नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं है। हाँ। साइकिल लेके जाएंगे, बहुत लंबा लंबा कार नहीं लेके हम लोग घूमना है। हाँ। ये घूमना है तो जंगल सफारी करना है, मतलब लाइन सफारी, तो अपन को साइकिल लेके मतलब नहीं, तो साइकिल का प्लान कैंसिल कर देते हैं। ठीक है फिर बस से ही घूमना पड़ेगा ना। हाँ बस से और थोड़ा बोटिंग वोटिंग चल के जाएंगे तो चलते। तो क्या क्या प्राइजेस है देखते हैं ना भाई। तो भाई ये सब हम लोग को कवर करना है, कर पाएंगे क्या पूरा आज? नहीं बहुत बड़ा है रे कवर करना, कान्हेरी केव्स जाना है फिर और लायन जंगल सफारी। वो किधर रहता है? ये डेंस फॉरेस्ट में रहता है क्या? तीन एरिया तो ये दो पहले कवर करेंगे, बाद में देखते हैं कहाँ कहाँ कवर कर सकते हैं। तो फाइनली गाइज हम लोग आ गए हैं संजय गांधी, मैं बार बार राजीव गांधी बोल रहा हूँ, संजय गांधी नेशनल पार्क है। और इधर हम लोग को टिकट पर पर्सन इज अराउंड 70 रुपीज़। और बोरीवली स्टेशन से 3-4 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, बट हम लोग को कुछ पता नहीं था तो हम लोग रिक्शे में आए थे। तो आपको बैक साइड बैक से, मतलब आपको बेसिकली ट्रेन में जब चढ़े हो ना तो पीछे के बॉगी में चढ़ना है, आगे की तरफ नहीं चढ़ना है, क्योंकि आगे की साइड चढ़ोगे तो आपको पूरा घूम के आना पड़ेगा, पीछे की साइड चढ़ोगे तो फिर चल वॉकिंग डिस्टेंस है ये नेशनल पार्क। वो बैक साइड से, हाँ बैक साइड से आएगा। तो ठीक है अभी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीज़ें इधर। और मैं तो बोल रहा हूँ सब जगह जाता है एक्सेप्ट ट्रैकिंग नहीं करने का। ठीक है चलिए फिर। सो गाइज हम लोग इधर से आए थे और उसके जस्ट सामने ही है, इधर से साइकिल लेंगे। गाइज 80 रुपीज़ चार्ज है 2 घंटे के लिए और 300 रुपये डिपॉजिट, और 300 रुपये डिपॉजिट भी है। भाई कितना बड़ा लाइन है इधर। सो गाइज फाइनली बस आ गया है, अभी हम लोग इसमें चढ़ने वाले हैं। हार्डली 10 मिनट में आ गया, लग था हमारा 10 मिनट में मिल गया बस। लाइन बहुत लंबा है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, हम लोग को टिकट काउंटर से अराउंड 20 मिनट्स लगा बस से। सो ये रहा बस। अगर आप साइकिलिंग करके आ रहे हो तो बहुत ऊपर आना पड़ेगा। हाँ साइकिलिंग कर सकते हैं ऐसे, इतना भी मुझे लगता है साइकिल ज़्यादा बेनिफिशियल है, मुझे ऐसा लगता है। कितना है? 7 किलोमीटर दूर है साइकिल से, 7 किलोमीटर दूर है तो आपको 7-7 वापस आने में 14 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा। अरे बाप रे, अभी बहुत ऊपर देखा आपने, बस भी फर्स्ट गियर में आने में अटक रहा था, इतना ऊपर है। बोला इधर बाहर खाने के लिए रहता है और है ना आगे कैंटीन है ना खाने के गिफ्ट में। केव्स में जाने के बाद कुछ अगर आप प्राइवेट उससे आओगे तो आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा, बस से आओगे तो 10 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा। देखो भाई मंकी, जंगल सफारी में सिर्फ मंकी मिलेगा मुझे ऐसा लग रहा है। ऊपर अब कारने के और मंकी दिखने वाले, सिर्फ मंकी है क्या इधर कुछ? हाँ। है नहीं क्या और है ना देर, वो तो दिखेंगे इधर सिर्फ मंकी दिखेगा आपको, मंकी दिखेगा। जिसको कान्हेरी केव्स के बारे में पढ़ना है, इसका हिस्ट्री जानना है तो फिर ये पॉज करके देख लेना भाई। हम लोग ने टिकट ले लिया है तो कितना रुपीज़ लगा अपने को? 25 पर पर्सन है, 25 रुपीज़ पर पर्सन है केव्स जाने के लिए। और आप देख सकते हैं गाली है
हम लोग गए थे ठीक है उधर का, अभी इधर ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। भाई इधर बुक भी बिक रहा है, आई थिंक इसके ऊपर ही रहेगा ये बुक ना। हाँ केव्स के ऊपर ही रहेगा। भाई जिसको केव्स के बारे में पढ़ना है तो और एक बार पढ़ लो इधर। भाई कुछ समझ रहे नहीं मुझे क्या है टोटल। आई थिंक हम लोग ने एंट्री किधर से लिया है, समझ रहे तुझे एंट्री किधर से लिया हम लोग ने? आई थिंक हम लोग ने इधर से एंट्री लिया है, ये पार्ट से, ये टिकट काउंटर हम लोग ने इधर से टिकट लिया है, तो उसके बाद सीधा सीधा जाना है। टोटल 101 गुफा इसमें 101। हाँ देख लिखा 101 केव्स है। सही है, चलो फिर इसको करते करते तो 101 में अपन दो तीन एक्सप्लोर कर पाएंगे। हाँ वो तो एक करेक्शन है, 109 केव्स है टोटल। और ये रहा भाई, मुझे लगता है यही केव्स है जो है, यही है।